हेलो, मैं हूँ रेखा यादव और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। शरीर की कसरत के लिए हम जिम चले जाते हैं, लेकिन दिमाग के लिए फिलहाल ऐसा कोई जिम मौजूद नहीं है जहाँ जाकर हम अपने दिमाग की सेहत का ख्याल रख सके। जैसे हम काम करके थक जाते हैं, वैसे ही हमारा दिमाग भी लगातार सक्रिय रहने के कारण थक जाता है। जिस तरह एक्सरसाइज शरीर को मजबूत बनाता है, वैसे ही दिमाग को हेल्दी बनाए रखने के लिए भी कई एक्सरसाइज हैं जो इसकी कार्य क्षमता को बढ़ा देते हैं। तो आइए जानते हैं दिमाग को तेज करने के लिए कैसे करते हैं एक्सरसाइज। दिमाग को तेज करने के लिए अपनी याददाश्त को चेक करते रहें। इसके लिए टू डू लिस्ट बनाएं। टू डू लिस्ट का मतलब है दिन भर के कामों की एक लिस्ट। फिर इस लिस्ट को याद करने की कोशिश करें और दिन के आखिरी में चेक करें कि आपको कितनी बातें याद रहती हैं। आप चाहें तो इसके साथ ही नॉट टू डू लिस्ट भी बना सकते हैं। इसका मतलब वो बातें जिसके लिए आप खुद को हर दिन यह कहते रहते हैं कि कल से ऐसा नहीं करेंगे, जैसे सुबह देर से उठना या दिन में 10 कप चाय पीना। इस ब्रेन एक्सरसाइज के साथ ही आप अपनी बुरी आदतों पर भी लगाम लगा सकते हैं। म्यूजिक सीखने की कोशिश करें। संगीत न सिर्फ ब्रेन फाइबर्स को एक्टिव रखता है, बल्कि यह हीलिंग का भी काम करता है। शरीर के साथ मस्तिष्क की भी उम्र बढ़ती है, ऐसे में कुछ नया सीखना दिमाग को एक्टिव रखने के लिए बेहद जरूरी है। मैथ्स पढ़ें। जी हाँ, मैं जानती हूँ कि आप में से कई लोगों को मैथ्स पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा, या फिर हिसाब किताब का सारा बोझ अपने कैलकुलेटर पर डाल देते होंगे। लेकिन कुछ हिसाब किताब अपने दिमाग को भी करने दें। मन में हिसाब जोड़ें। पेंसिल, कागज या कंप्यूटर के बिना मैथ्स प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करें। जोड़ने या घटाने वाले सवाल बिना कैलकुलेटर के ही सॉल्व करने की कोशिश करें। इससे दिमाग की अच्छी कसरत होती है। दिमाग को तेज करना हो तो दुनिया की सबसे मुश्किल कला सीखें, यानी कि खाना पकाना। जी हाँ, खाना बनाना दुनिया की सबसे मुश्किल कलाओं में से एक है, क्योंकि खाना बनाते समय हमारे सारे सेंसेस यूज होते हैं, जैसे गंध, स्पर्श, दृष्टि और स्वाद। इसलिए ब्रेन एक्सरसाइज के लिए हर दिन कुछ नया बनाएं। क्या आपको पता है कि आप खाते समय भी ब्रेन एक्सरसाइज कर सकते हैं? कैसे? वो ऐसे कि खाना खाते समय खाने के स्वाद को समझने की कोशिश करें। यह पहचानने की कोशिश करें कि खाने में कौन से मसाले या सब्जियों का इस्तेमाल किया गया है। नई भाषा सीखने की कोशिश करें, चाहे वो लोकल हो, रीजनल हो या फिर इंटरनेशनल। रोज अपनी डिक्शनरी में 5 नए शब्द को जोड़ें। इससे दिमाग भी तेज होगा और नॉलेज भी बढ़ेगी। शब्दों से अपने दिमाग में तस्वीर बनाएं, जैसे चिड़िया या पतंग या पर्वत कहने पर दिमाग में क्या तस्वीर उभरती है। आंखें बंद करके इसे इमेजिन करें। कल्पना करने की क्षमता एक मजबूत और सक्षम दिमाग की निशानी होती है। नक्शा याद करें। जब भी आप किसी नई जगह से लौटे तो घर आने के बाद उस नई जगह का नक्शा अपने दिमाग में बनाने की कोशिश करें। यह भी दिमाग के लिए अच्छा एक्सरसाइज है। हमेशा दिमाग वाला काम करने से ही दिमाग तेज नहीं होता, बल्कि हाथ का काम भी दिमाग को ज्यादा ऊर्जावान बनाता है, जैसे सिलाई, कढ़ाई, बागवानी, बुनाई और पेंटिंग। या फिर कोई नया खेल सीखें, योग करें, गोल्फ या टेनिस जैसे खेल खेलें। इनमें शरीर और दिमाग दोनों एक्टिव रहता है। तो अब आप भी इन ट्रिक्स को अपनाएं और दिमाग को तेज बनाएं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए बोल्ड स्काई के साथ और हमें लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।